जैसा उसकी जिंदगी भगवान ने लिखी है वैसे वो रहे, और ही इज अ गुड बॉय एंड आई वांट हिम टू बी गुड ओनली. आपकी जैसे जर्नी, आपने बोला बहुत सालों से आप किसी इंडस्ट्री में हो, आप तो लगभग हमारे पेरेंट्स भी आपको सुना है, हमने भी सुना है, हमारे बच्चे सुन रहे हैं, तो तीन पीढ़ियां लगातार एंटरटेन कर रहे हैं, थैंक यू उसके लिए. और सर जो पुराने टाइम से लेके आप, आर यू मिसिंग समथिंग लाइक फ्रॉम द लाइक अ ट्रेंड हैज बीन चेंज सो ऑलवेज द वेरिएशंस इन द म्यूजिक. देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे हर कोई पूछता भी है. मेरे हिसाब से जो बड़े संकीर्ण दिमाग के होते हैं जो सोचते हैं कि अरे हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, जब हम आए थे तो ऐसा होता था, इसका मतलब आप भगवान को क्वेश्चन करें. हर वक्त पे भगवान ने इक्विलिब्रियम बनाया होता है अच्छाई बुराई का. आपके हाथ में चॉइस है, आप किस क्या देखना चाहते हैं. आपको लगेगा कि अरे यार अब तो बकवास सब चल रहा है, हमारे टाइम पे अच्छा था, ऐसा नहीं है, तब भी कुछ खराब था, आज भी कुछ अच्छा है. आपकी नजरें कहाँ टिक रही हैं वो देखना है आपको. मेरे हिसाब से ट्रेंड बदला है डेफिनेटली. अब ऐसा हो गया कि कम रियाज वाले सिंगर्स भी गा पाते हैं क्योंकि सुर ठीक करने की मशीन आ चुकी है, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं. तो ठीक है, तो है तो है. इसमें आप क्या बोलेंगे, आप थोड़ी बेइज्जती करेंगे किसी की, अरे यार तो ऐसे करते थे. भगवान का है ना, किसी को सक्सेस मिल रही है तो वो उसकी दी हुई है. वी आर नो वन टू क्वेश्चन एनीवन सक्सेस कि अरे हम इसने तो रियाज नहीं किया, उसका बच्चा है ना वो, प्रभु का बच्चा है, उसको मिल रहा है, मिलने तो उसको अच्छी बात है ना. तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी मेरी खुद की ग्रोथ क्या है, मैं खुद क्या कर रहा हूँ, क्या मैं 10 साल जो पहले गाता था मैं उसको मैच कर पा रहा हूँ. अगर मैं नहीं मैच पा रहा नहीं कर पा रहा तो मेरी गलती है. अगर मुझे लग रहा है कि मैं 10 साल पहले जो गा रहा था मैं उससे अच्छा गा रहा हूँ अभी, तो ये मेरी जीत है. सो आई फील द ट्रेंड हैज चेंज्ड, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम रियली एंजॉयिंग माय सेल्फ. आई एम गेटिंग टू डू द वर्क आई वांट टू डू. आई एम ट्रैवलिंग, आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ कॉन्सर्ट्स. मतलब हम कुछ कम करने पड़ते हैं कॉन्सर्ट्स कि मत करो मत करो. कि भास्कर जी से पूछे, ये पहले और शोज लेकर आए थे हमारे पास में, हमने ही बोला कि नहीं दो काफ़ी है, ये सिडनी और मेलबर्न करेंगे. फिर बाद में मुझे बोलते हैं कि कर लो, मैं चलो करते हैं. फिर उसके बाद इट वॉज टू लेट टू डू दैट. बट हम ऐसा करते हैं, वी डोंट वांट टू डू शोज. यहाँ पर आए हैं तो हम 5 शो कर लेंगे, पर्थ में चले जाएंगे, एटम चले जाएंगे, जहाँ जाए. वी जस्ट वांट टू डू नॉर्मल वर्क. काम को एंजॉय करना किया जाना चाहिए, काम को अग्रेशन से आके ऐसे हमने कर लिया अग्रेशन. जब भूख थी कर लिया, अभी पेट भरा हुआ है, अभी एंजॉय करते हैं. Very western. Sometimes I just sleep. Sometimes I wake up, like I woke up today morning at 5 o'clock, and I went through some messages. Then I started listening to some stuff that I listen to on YouTube. I go, I cleanse myself. ऐसा नहीं कि मतलब over dramatic नहीं, but कुछ अच्छी-अच्छी informative चीजें होती हैं. I listen from information about universe to Osho to any damn thing. Some stupid jokes, some stupid information about. So I do everything. It's my time to, you know, educate myself. Then I went down to have breakfast. Then I came up for a sleep. I slept for half an hour. Then I went down, worked out like crazy for 1.5 hours. Then I thought I'm getting late. I take my son for shopping. So I went to some mall where I'm going to go there. कितने It's really good. He called me as well. He made sure he called everyone to be there on time. Ha. Okay. Ji, tomorrow by 7 p.m. Exactly. I told my team, do I and I. 7 p.m. Hamara bank. Down. You being in the singing industry, do you started your own music tutoring? You know, मैं अभी कई कल ही मैं किसी को कह रहा था कैंसर भी बैठी ऑफिस में. I'm still singing. क्या है कि मेरे अंदर स्टूडेंट खुद नहीं मरा अभी तक लगा हूँ. और ये नहीं कि मुझे कोई लगता है कि
एक टाइम पे मुझे सब आ जाएगा, ऐसा मेरे पास कोई अगर आता है तो मैं इसको बता देता हूँ कि हाँ ये रियाज के तरीके हैं, बट मैं किसी को बैठ के रियाज कराने के लिए मेरे पास खुद का वक्त ही है। तो दूसरी बात यह है कि ऐसा करूँगा तो फिर मैं मेरी खुद की ग्रोथ कम हो जाएगी, मेरे पास भी एक जिंदगी है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे सिर्फ और सिर्फ जैसे बैंक में पैसा खर्च ना होते रहे, कमाई भी जाए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर कमाई भी हो, मैं खुद भी रियाज करूँ, मैं खुद भी सीखूँ, मैं कुछ कहीं से और ग्रहण करूँ। सो ऐसे कई सिंगर्स हैं, अभी से नहीं 1999 में मेरे पास निधि चौहान आई थी, उसका रेंज ऊपर नहीं जाता था, तो तब मुझे कुछ टेक्निक पता थी, उसको मैंने बताया और रियाज उसने खुद किया। तो इफ समवन आस्क्स मी कि मेरे हाँ कि मेरे कुछ ऐसे है तो मैं उनको बता देता हूँ कि उसकी कोई इश्यू है, प्रॉब्लम है, रेंज आ नहीं जाता या सुर नहीं लगते, तो मैं आई कैन टेल देम द टेक्निक्स बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट माय सेल्फ, आई एम स्टिल काइंड ऑफ वेरी मच इनटू म्यूजिक, म्यूजिक हैज़न्ट बिकम माय यू नो वंस अपॉन अ टाइम आई हैड टू प्रैक्टिस, आस्क एनीबडी हु हैज़ बीन इन द कार विद मी, आई एम कंटीन्यूअसली सिंगिंग, आई एम ऑलवेज प्रैक्टिसिंग, सो इट्स लाइक if I'm not sleeping, if I'm not watching TV, if I'm not eating, my tanpura is on the way. यहाँ की बंद किए मैंने, इस पे तानपुरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, आई तबला प्रोग्राम, so I'm also prepared. So maybe one day, if I feel I have learned enough, if I can you know kind of share, और उसके से एक और भी चक्कर है, लोग expect करते हैं कि मैं राग सिखाऊंगा, ताल मुझे खुद नहीं आते थे, मुझे नहीं इतने राग रखने पता, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो किसी तरह के ठाट, किसी तरह के गान, आई एम अ प्रैक्टिकल सिंगर, आई एम नॉट अ थियोरेटिकल सिंगर, आई कांट इम्पार्ट कि ये राग है, इसका सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, इसका चल रही है, इसका पलटा ही है, वो नहीं पता, खुद रियाज करते हैं। अभी आपकी एज भी सुधरी बन गई? हाँ नहीं, मैं 44 हो चुका हूँ सर। दैट लर्निंग इज नेवर एंडिंग, या बीइंग द सोल डिपार्ट्स, बट स्टिल एज whatever you have learned through number of years, but at least that should also be passed on to. aisa hai mere dil mein ichha hai jis din malik chahega main aise karunga, is samay mujhe koi aisa dikhta nahi hua opening jahan pe main ye kar paau, lekin ha agar mujhe kisi ne kaha ya mujhe laga ki automatically sab cheez baith rahi hai sahi padan pe aur ho raha hai aur mujhe ye pata hai ki main na rahu phir bhi jinko maine responsibility de rakhi hai wo wahi impart karenge jo maine sikhaya hai, तो मैं जरूर करूँगा। ऐसा नहीं कि मैंने कोई रोका नहीं अपने आप, मेरा मन बंद नहीं है इसके लिए, इफ आई गेट अ चांस आई विल डेफिनेटली डू दैट, एट दिस पॉइंट मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में ही नहीं है। जी एक आप इतने बड़े सिंगर हैं, नहीं कोई बड़ा नहीं हूँ जी, नहीं नहीं आई और हमारी इंडियन म्यूजिक जो है ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में भी 100 ईयर से ओवर किया है, और ये क्वेश्चन आपको बहुत ने पूछा होगा, बट आई जस्ट वांटेड टू आई एम वेरी क्यूरियस, आपको कौन सबसे अच्छे लगते हैं, कोई आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है जो आपको यू नो देयर आर सो मेनी जॉनर्स और बहुत कुछ है, लेकिन कोई आपका फेवरेट सॉन्ग हो? जहाँ तक पहले आपके सवाल का पहले से मुझे कौन अच्छे लगते हैं, मैं सबसे ज़्यादा रफ़ी साहब से इंप्रेस्ड हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे हिसाब से वर्सेटिलिटी में उनका कोई सानी नहीं, उन्होंने सैड सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स, लोकल सॉन्ग्स, हाई पिच सॉन्ग्स, लो पिच सॉन्ग्स, लो पिच सॉन्ग्स, गजल्स, भजन, अपना शब्द से लेकर कवालियाँ, सब कुछ गाया। मेरे हिसाब से रफ़ी साहब मेरे आइडियल रहे हैं, और मैंने ये कोशिश की है कि शुरुआत मैंने उनके स्टाइल में की थी, उसके बाद में मैंने अपना जब आवाज़ ढूंढी, जब मुझे आवाज़ मिली, तो मैंने कोशिश की कि मैं भी तरह तरह के गाने गाऊँ, चाहे वो भजन हो, चाहे वो कवाली हो, चाहे वो अब इंग्लिश भी गाने, जैसे मैंने गाना आया कश्मीर, बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास डीजे हैं, उनके साथ मेरे गाना अंडर वाटर भी आया, तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि उनसे मैं काफ़ी मुतासर हूँ, लेकिन कन्फाइन नहीं, मैं सब कुछ सुनता हूँ, मैंने मिन्नी सिंह साहब को सुना है, अरुण दुर्गा जी को सुना है, पंकज दास जी को सुना है, किशोर कुमार जी को सुना है, मुकेश जी, मन्ना दा, हेमंत कुमार जी, तलत महमूद जी, महेंद्र कपूर जी से लेकर माइकल जैक्सन, जॉर्ज माइकल, जॉर्ज बेंसन, माइकल बोल्टन, विटनी ह्यूस्टन, मराय कैरी, मैंने सब को मतलब अभी तक मैं सुनता हूँ, जो नए 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 आते हैं उनकी मैं मैच करता हूँ उनके साथ में, सो मैं सबसे इंप्रेस रहता हूँ, मैं जजमेंटल नहीं हूँ। और अगर आपको वैसे मतलब अपनी जस्ट चॉइस से कोई गाना कई बार ना
बड़ा अच्छा लगता है बचपन से यू हैव ग्रोन विद सम सॉन्ग और कोई ऐसा हो जो आपको अच्छा लगता होगा? ये उसका एक्चुअली अगर मैं आपको कोई आंसर दूंगा तो वो झूठी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक करना नहीं हो सकता। तो यू डोंट हैव अ फेवरेट सॉन्ग? नो, आई डोंट हैव अ फेवरेट सॉन्ग, टू मेनी सॉन्ग्स दैट टच माय हार्ट। जैसे लता जी ने कहा था बाहों में चले आओ, तुमको बड़ा अच्छा खुशी होगी, हमको लता जी इतनी चलती है, सारे गाने टू मेनी सॉन्ग्स, आई कांट जस्ट पिन पॉइंट। एक गाना है जो मुझे आप सुनाने हो, रफी साहब की गजल है, शायद प्राइवेट है वो, ये रही हमारी किस्मत की मिसाल यार होता, गालिब की ना शायद उसका गवादू शाह जफर का ना, हां गवादू शाह जफर, यस वो ये नाते हमारी किस्मत के विसाल यार अगर वो की बहुत अच्छा गाते हैं वो, अगर मैं सुनता हूं तो मैं रो पड़ता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें इतना अच्छा म्यूजिक दिया, इतने अच्छे सॉन्ग दिया। आज भी हमें कॉलेज टाइम में जब जाना होता है तो हम आपके गाने सुन लेते वापस यंग हो जाते हैं, वही लव इन द एयर हो जाता है। मुझे केवल एक बात जानना है कि जब आप काफ़ी बिजी रहे उस टाइम पे, जब हमें याद नहीं हमारा टाइम था अर्ली 90s में बात करूँ, आपके बाद आपके सॉन्ग आते थे दीवाना एल्बम देना की, आपको कभी लेट नाइट में सर्च, आपको कभी ऐसा कुछ सडन पॉइंट ऑफ टाइम पर कुछ ऐसा रहा जब आपको लगा कि आप बिकॉज ऑफ योर बिजी स्केड्यूल आप किसी अच्छे आर्टिस्ट को अपनी आवाज़ या अपना टाइम नहीं दे पाए? Normally when you're as busy as you want to get, मतलब लोग ये झूठ बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम हमेशा होता है, आपको क्या करना है आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करती है। सो मैंने हर मौका, यहाँ तक कि जब मेरे पास में एक के बाद एक दिन में, मतलब हर रोज़ मेरे पास एक फिल्म आती थी एक्टिंग करने के लिए, मैंने वो भी किया, हालांकि मैंने अपने कभी फिल्म नहीं बनाई और मुझे नॉलेज नहीं था उस बारे में कि मैं कौन सी फिल्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैंने वो भी किया। तो मैंने कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में छोड़ी नहीं, जहाँ मुझे भगवान ने बोला तू गाने गाने के लिए आया है तू वर्जन गा, ओके वर्जन गाते सर, भजन गाते सर, माता की बेटी का वो भी गाते सर, शो आता सर करते सर, फिर एल्बम करते हैं सर, गाने का वॉट इज मोबाइल नंबर मिला वो भी गाते सर, वो भी गाते सर, भगवान फिल्में करती ओके सर करते, जो भगवान ने बोला सब किया। सो आई रेडियो शो करना वो भी किया सर, सब शोज में सिम्फनी करना है करते सर। सो आई एम ऑलवेज आई नेवर सेड नो टू वर्क बिकॉज आई थिंक ह्यूमन बींग्स ट्राई टू आउटस्मार्ट गॉड, यू कांट आउटस्मार्ट गॉड, जो दे रहा है करो मस्ती से, जो होना है अपने आप होगा। हम कभी कोशिश करते हैं कि मैंने ये किया होता तो बड़ा अच्छा होता, नहीं बेटा नहीं होता, उसकी मर्जी है, तू कर बस काम, देखो जो मौका मिले कर, बाकी होगा जो रिजल्ट तेरे हाथ में नहीं है करना तेरे हाथ में कर, मैं ये सोचता हूँ हमेशा पहले से मिले। Sometimes when I record my voice, I'm obviously a bathroom singer. But जब अपनी आवाज को record करते हैं, सुनते हैं, थोड़ी अलग लगती है। हाँ। आपको भी नहीं होता? Initially so. When first time I went to recording age of 16. In fact, no, I heard my voice on a stage recording when I had the thin voice. मुझे लगता है मेरी तो बड़ी आवाज हो चुकी है 9-10 साल की उम्र में। सो ऑफकोर्स आई थिंक कान के अंदर की जो आवाज होती है और कान के बाहर की आवाज होती है फर्क होता है। तो माइक्रोफोन में भी चेंज होता था? आपकी आवाज जो है जो मैं सुन रहा हूँ माइक्रोफोन में भी वैसी आएगी। अच्छा। आपको फर्क लगेगा, हमें फर्क नहीं लगेगा, हमें तो आपकी आवाज सेम होने वाली है। तो इट्स अपनी आवाज हम जो समझते हैं वो परसेप्शन अलग होती है, जो बाहर वाला सुन रहा है वो परसेप्शन अलग होती है। दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिंगर्स लाइफ बिकॉज़ उसको कैसे तुम परसीव करना चाहते हो। जितना आप गाते हैं, मैं तो यही बोलता हूँ, मैं अपने बेटे को भी बोलता हूँ, अगर आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो टाइम दो, यू हैव टू गिव टाइम, गाना अच्छा लगा टाइम दो, क्रिकेट अच्छा खेला टाइम दो, अच्छी भाषा बोलनी टाइम दो। तो जब आप टाइम देते हैं तो मालूम पड़ता है कि अच्छा मैंने ऐसे गाया था बाहर ऐसा साउंड कर रहा है, पता नहीं आ रहा, ऐसा करूँगा तो शायद ऐसा साउंड करेगा। सो देन यू मेक योर ओन, यू नो यू फिगर आउट कि मैंने प्रोजेक्ट कैसे किया है और आ कैसे रहा है। सो वंस यू अंडरस्टैंड योर ओन वॉइस एंड इट कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस, I also did, I learned
through as I was working, as a karte-karte main sikha. Everybody does that. I'm sure when you sing more, you'll understand your words. Do you think when you were coming into the industry, you probably had to struggle to get into it versus I mean, RB, kai log nahi aa rahe hain. So do you think there's any difference because there's more exposure now to media and everything and so many programs? Of course, there's a lot of difference today. The major difference is that there are many outlets. Yeah, at that point, there was no other way to do a singer except standing outside people's offices and begging for work. Not just asking for I've seen Mercedes with that. Sir, sir, yeah, sir. Ulla mat, sir. Samajh gaye. Sir, yeah, sir. Aaro bas. 15 din de pahunch raha hoon, sir. Thank you, sir. Yeah, bhulna mat, sir. To ye aise karke hamare seniors ko maine bhik mangte dikhe kaam ki. So at that time, there was the only way to get work. At this point, you can be sitting in your bathroom and making a video of yourself and putting it on YouTube, and if you're lucky, the song becomes a hit and you become a star. You can command money. People who haven't even sung one single song today in films are charging about 25 to 30 lakhs per show. This could have happened 25 years back. Film ko gaana milne ke baad mein paise milte the, wo bhi 15,000 rupees. Phir 16,000 रुपए ऐसे मिलते थे. अभी 15-16-17 लाख की बात होती है बजट की बिना फिल्म में गए जी. आपका बाकी एक क्वेश्चन है इनकी बात, इनकी रैपिड फायर की बात. But you have to scream loud. So we are. I promise you. I need to ask you, do like मेरे साथ तो नहीं गाऊंगा मैं. ये शो मेरा है, उसमें आपको मैं स्टेज नहीं गाना. चलो हनी सुती दया को इंदु. अच्छा स्केल ठीक है आपके लिए. आप यू स्टार्ट आवर सिंगिंग कम थोड़ा कम करना. आप बड़ी पैशन से सिंगर लगती हैं. हनी सुती दया ನೀನೇನೆ ನನ್ನ ಹಳಿಂದು ಮಾಯದ ಲೋಕದಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ಹಳಿಂದು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ नहीं सीखा मैं, कम सीखा. गुलाम से खास सब सीखा मैंने, लेकिन मैंने क्लासिकल तक नहीं सीखा. वॉइस कल्चर ज्यादा सीखा. और मेरे पहले उस मोहम्मद अली साहब थे, उन्होंने मुझे सिक्स में, बिकॉज मोहम्मद अली से पहले मुझे थोड़ा सा आई नीडेड सम थ्योरेटिकल नॉलेज. उन्होंने अच्छी राग और ताल वो सिखाया. बट हाँ, मैंने ऐसे साथ मतलब गुरु के सन्निधि में बैठ कर 10-12 साल तक ऐसा नहीं हवा कम निकाले कर देगा सर, और आवाज भी ध्यान देने का, और ज्यादा लाउड नहीं गाना चाहिए. नेवर सिंग लाउड. अभी बस बाकी लोग भी बहुत शुक्रिया आपने वहाँ से माइक रिकॉर्ड करके भेजा. थैंक यू फॉर प्रमोटिंग अस. थैंक यू फॉर प्रमोटिंग अस. आपका जो पिछले सालों के शो उसके साथ ये शो बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए आप सिर्फ ये लेके आ रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि क्या डिफरेंट है, क्या नया है.
नहीं मेरे पास इसकी भी बाप सिंफनी का कॉन्सेप्ट है, अभी मैं इनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, भास्कर जी के भास्कर है या भास्कर है आई विल लाइक टू सी बिकॉज ही सीम्स टू बी वेरी नाइस पर्सन एंड वेरी, और इनके पास लता जी का बहुत बड़ा हाथ है, कुछ चल रहा है. सो दिस इज द बिगेस्ट ट्रूप आई ब्रॉट एवर इन ऑस्ट्रेलिया एंड आई वांटेड टू यू नो ट्राई टेस्ट द मार्केट ओवर हियर बिकॉज 2012 में मैंने पहली बार बहुत सारे म्यूजिक दिया के अमेरिका में, सबसे पहले दुबई में किया शुरू, फिर अमेरिका में किया, नीड अ नाइस कॉन्सेप्ट अमेरिका में बनाया, क्लोज टू माई हार्ट, क्लोज टू माई, फिर नेक्स्ट दो साल क्लोज टू माई सोल, इतना बड़ा हो गया कि मैंने फिर वर्ल्ड में काफ़ी जगह पर क्लोज टू माई हार्ट क्लोज टू माई सोल किया. आई वॉन्ट टू गेट दैट यू नो, एक बार मैं यहाँ इस बार देखूँ कि कैसा होता है, देन आई थिंक आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि वो शो क्या है, कोई गलत दुनिया है. ये ऐसा शो है जो उसका एक पायलट